हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे संक्षारण कोरोजन के बारे में। संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसे समझने के लिए हम चार अलग अलग वस्तुओं की कल्पना करते हैं। एक एल्यूमिनियम का कार खिलौना, एक कील, एक तांबे का पाइप व एक प्लास्टिक की वलय। अब हम इसमें से देखें कि कुछ समय बाद इनमें सबसे बेहतर स्थिति में कौन सी वस्तु होगी। तो हमारा जवाब होगा प्लास्टिक की वलय, क्योंकि शेष तीनों धातु की बनी है और धातु के साथ संक्षारण होता है, इसलिए हमें कील सबसे खराब स्थिति में प्राप्त होगी। संक्षारण धातु की सतह पर विभिन्न यौगिकों का निर्माण जल व हवा की उपस्थिति में होना संक्षारण कहलाता है। जैसे किसी कील को पानी में डाल दें तो यह ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण कर लेती है और जंग लग के रस्टेड हो जाती है। ऐसा ही कॉपर पाइप व एल्यूमिनियम के खिलौने कार के साथ भी होता है, लेकिन संक्षारण कील के साथ पाइप व खिलौने की तुलना में अधिक होता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है जबकि एल्यूमिनियम से कम होती है, इसलिए कील का संक्षारण तांबे के पाइप के तुलना में अधिक होता है। लेकिन एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा होती है, उसके बाद भी एल्यूमिनियम के खिलौने का संक्षारण कम हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता तो आयरन से अधिक होती है, लेकिन अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम का धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है जो एल्यूमिनियम के खिलौने पर चिपकी रहती है। यह परत शेष एल्यूमिनियम को बाहरी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देती। इसी प्रकार यदि हमें कील को संक्षारण से बचाना है तो हम उस पर भी कम क्रियाशील धातु जैसे कि जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, जो कि जिंक ऑक्साइड बनाकर वायु की ऑक्सीजन से कील की क्रिया नहीं होने देगा। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। बाइसाइकिल पर भी संक्षारण कम होता है क्योंकि इसके ऊपर एक पेंट की परत चढ़ाई हुई होती है जो इसे वायुमंडल की ऑक्सीजन से सुरक्षित रखती है।